हाय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको बताऊंगा मैं मेरा गांव कौन सा पड़ता है। गांव मेरी रफिया, मैं आज इतने घर आया हूँ बाहर से काम करके। और मैं आया थी इतना मकान बनाने के लिए, कुछ व्यवस्था कुछ जनरेटर चल रहा है तो बोरिंग करवा रहा हूँ। फिलहाल बोरिंग नल गड़ेगा उसके लिए, अब आपको दिखाता हूँ। देखो नल की बोरिंग कर रहे हैं, भाई आए हुए हैं, उनको बुलाया गया है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ किस का नज़ारा, चलते हैं अभी अपने प्लॉट पे। हाँ दोस्तों, मैं अब जा रहा हूँ अपने प्लॉट पे, पहुंच गया हूँ अपने प्लॉट पे। पहुंचने के बाद देखो पिंग कर रहे हैं, ये कर पा रहा हूँ 40 फीट। ये उस पर खर्चा आएगा अपना 10 के करीब का खर्चा आएगा इसमें। और इधर ये पैप पड़े हुए हैं, मंगा रखा है। और अगर आपको दिखाते हैं ये इस कोने से जाकर वहाँ पे देख लेता है कोने से, ये अपनी प्लॉट है। ये ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ये देखो वो कोने में जाकर लगे वहाँ पे। और गांव में ये शहरी नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में गांव है मेथी नबदिया, हम वहाँ के रहने वाले हैं। काम तो आप जानते हो गए कि हम लोग बाहर के ही रहते हैं, कहीं काम आते हैं बाहर जाते हैं आजकल, क्योंकि घर पे जब होली त्यौहार होता है तभी आना होता है हम लोगों का, उससे पहले आना होता है। और देखो ये आपको दिखता होगा पूरा, ये जो आपको गैली दिख रही है वो विकास हो गया हमारा। आपको दिखाता हूँ पूरा आगे तक कल यूज का। ये देखो ये बोरिंग कर रहे हैं, बोरिंग करने का तरीका आपको दिखाता हूँ। देखो ये है आपकी पीछे हमारी गली, वो देखो इधर आपको सदर मकान दिख रहा है, उसमें एक गली भी है बड़ा बड़ा भैया। देखो पानी व्यवस्था कर रहे हैं, और आपको लेके चलते हैं बोरिंग। इसमें टाइम लगेगा क्या, टाइम पूरा दिन लगेगा ही लगेगा, तब हो पाएगा जाएगा 140 फीट। बड़ी मेहनत की बात होता है, बहुत मेहनत लगती है। पत्थर फंस गया था इसलिए इसको पाइप को बाहर निकाला जा रहा है। एक बार पत्थर फंस गया तो निकाल दिया गया, अब दोबारा से ट्राई कर रहे हैं खोलना, इसलिए खोल रहे हैं। खोल दिया गया है, दिक्कत हो जाती है कहीं पत्थर फंस जाता है उसमें बोरिंग होने में बहुत दिक्कत हो जाती है। टाइम लगेगा इसमें दोस्तों, लोग भैया पिस्से उठा रहे हैं वेब को। ये देखो ऊपर ले लिया गया है, बड़ा बोरिंग हो रहा है, 150 फीट करीब होगा ये बोरिंग। वैसे तो मिस्त्री ये कह रहे हैं जहाँ तक अच्छा होगा 130 तक 140 तक अच्छा होगा तो बढ़िया है, रोक देंगे वहीं पे। तो हमने कहा ठीक रोक देना, अब बोरिंग एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। डी कराएं तो अच्छा ही बोरिंग कराएं, कभी भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी। उसमें गिट्टी फंस गई थी इसलिए गिट्टी लगा रहे हैं उसकी, इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहा था। चलिए गाइस मिलते हैं आगे। देखिए दोस्तों ये दोबारा जोड़ा जा रहा है, देख देख के भैया देखो देख रहे हैं, इसमें कहीं गिट्टी भी फंसी हुई नहीं है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है।
प्लीज़ गाइस इस वीडियो में, पूरी वीडियो में बने रहे हैं आप लोग, और बोरिंग किस तरह होता है हम आपको इस पूरी इस वीडियो में आपको बताएंगे, कितने में पानी अच्छा मिलता है, कितने में नहीं मिलता है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें, तभी समझ में आएगा आपको। आप प्लीज़ वीडियो छोड़ कर ना जाएं। और किसके बताएं आपको बताएंगे, कभी बोरिंग जैसे घर में ग्रामीण क्षेत्र में हो, फिर भी आप गए गरीब परिवार से, फिर भी नल जो है एक ही बार होता है, उसको अच्छी तरह कराया जाए, जिससे कि बोरिंग में कभी पानी में दिक्कत नहीं हो। ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें एक ही बार ही होती हैं, बार बार नहीं होती हैं। अभी पहले उन्होंने भैया ने खोला था, अब देखो उसको कस रहे हैं, अब नीचे लेंगे हल्के हल्के। खर्चा क्या हमारा, जैसे हमारे मोटर की फिटिंग जो है, और मशीन देखो आपको रखती हुई, वो मशीन रखी हुई है, वो मशीन लगे खर्चा हमारा आ गया, तो हमारा है 140 फिट, 9,500 रुपये खर्चा हो आ गया। अब जो उससे नीचे कर सकते हैं या ऊपर भी हो सकता है, वो जितना अच्छा होगा वहीं पे रोक देंगे, भैया कह रहे हैं जहाँ तक आपका अच्छा पानी मिलेगा वहीं रोकेंगे, आपका नुकसान भी ना हो और उनको भी नुकसान ना हो। देखो कस दिया गया है पाइप, अभी इसको नीचे गलाएंगे, अभी नीचे देखो डालेंगे, फिर ऊपर से और लगाएंगे। ये देखो नीचे जा रहा है, ये देखो नीचे डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों ला रहे हैं भैया, आपको ये पैप दिखाई होगा जा रहा है, देखो क्या है, ये नियम है बोरिंग करने का, देखो किस हिसाब से हो रहा है, आप लोग दिखते ही होंगे, नीचे पानी गिर रहा है, उसमें एक टीन का एक घेर कर दिया गया है बोरिंग, जितना भी पानी गिरेगा सब उसी में गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया हैं कुछ ऊपर नीचे करने पर रहते हैं, वो खड़े हैं भैया पीछे लंबे लंबे, और दो लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, चला रहे हैं इसको, एक भैया ऊपर हाथ लगाए हुए हैं, पैर नीचे जा रहा है। इस जिस जगह में हम ये नल गलवा रहे हैं, इसको कई साल हो गए बनाया नहीं, अब जाके इसकी नौबत आ रही है, कम हो गए होंगे इस साल है, करीब 30 साल तो हो ही गई होगी तब से कभी बनाया नहीं, स्थिति ऐसी थी नहीं बना पाए थे, अब जाकर कहीं इसका नंबर आया है। देखो रोक दिया गया है, वो पूछे अंकल गए हुए हैं, देखो वो उसको ऊपर ले लिया है, सिकंजा बोलते हैं उसको, सिकंजा क्या उसको, एक चाबी मान लो, ऐसे हल्के हल्के गलाते रहेंगे। और गाइस आपको इसमें पूरा दिखाऊंगा किस तरह इसमें पाइप डालते हैं, किस तरह बोरिंग होता है, क्या है, बन रहे हैं हमारे वीडियो में। गाइस फाइनली जो मिस्त्री लेबर थे उनको खाना खाने भेज दिया गया है, समय 1 बज गया है, और ये उन्होंने ये बताया है इसको भर देना, ये पूरा भर देना, भरने के बाद में इसको दिख रहना पूरा खाली ना हो, क्योंकि पाइप बना हुआ है इसमें पूरा पानी रहना चाहिए, अगर पानी नहीं रहेगा तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने ठीक है आप लोग जाइए खाना खाने के लिए भेज दिया गया है, पापा गए हुए हैं, जनरेटर चल रहा है भैया, आप ग्रामीण क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर है, जनरेटर की व्यवस्था की गई है, वो आपको हो सकता हो, जनरेटर चल रहा है, तो
तो अभी हम बैठ के आराम करेंगे। हमारे पड़े हुए चार भाई वो पड़ा हुआ कचरा बहुत पुराना कचरा आया, लोगों ने जलाया, कई जगह खाली पड़ी हुई थी, काफ़ी लोगों ने जलाया, उसको मैंने गलाया है जला जला के। तो फाइनली दोस्त हमारे वीडियो में बने रहे हैं और आगे आपको दिखाएंगे इसकी क्या प्रक्रिया है। अभी तो आधा काम नहीं हो पाया है, आधा वो बोरिंग हो चुका है। बने रहे हैं हमारे साथ में। फाइनली दोस्तों 120 फीट गहराई हो चुकी है, अभी देखते हैं पानी, रेत तो आ गया है, देखो किस जगह पे पानी अच्छा मिलता है। और देखो फाइनली पाइप तैयार कर लिए गए हैं, देखो जो है रस्सी से जाली बांध दी गई है, आपको दिखती होगी पाइप में, तो 40 फीट की देखो आपको देखते हो, ये किसान कंपनी का पाइप है। और ये देखो जाली लगाई है, इस तरह देखो नल गाड़ा जाता है। आपको इस हमारे वीडियो में बने रहे हैं, आपको पूरा प्रिपेयर बताएंगे कैसे नल गाड़ा जाता है, अच्छा बोरिंग गाड़ा जाता है, 150 फीट तो होना चाहिए तब अच्छा पानी मिल पाता है पीने के लिए। अभी देखो काम चल रहा है, लाल हुआ नहीं पूरा काम, खाली दोस्तों बने रहे हैं हमारे साथ में और मिलते हैं जल्द। तो फाइनली दोस्तों ये बोरिंग जो है 130 में पहुंच गया है, अब पानी अच्छे तरह से मिल गया है। मिस्त्री लोग बता रहे हैं अब ऐसे आगे इधर सही नहीं है, यहीं पर रोकना सही है। तो देखते हैं, और बहुत सारे काम है अभी, आपको बने रहिए हमारे साथ में। तो उसका देखो ये रेता है, ये रेता पड़ा हुआ है, नीचे से आया हुआ है, बाल्टी रखी हुई है गड्ढे में, आपको दिखता है उसमें रहता है, स्टॉक हो रहा है ना। और मिस्त्री साहब हमारे देखो अभी काम चल रहा है, मिलते हैं, मैं रहिए साथ में हमारे। फाइनली गाइस ये आपको लोहे वाला पाइप दिख रहा है, ये 20 फीट का है, देखो आपको ये दिख रहे हैं 6 पाइप हैं बड़े बड़े, 120 तो ये हो गया और छोटे छोटे 30 हो गया। अब ये भाई डाल रहे हैं ये फ्लैशलिंग वाले पाइप, इतनी माल ये पड़ेगा कहीं तब नहीं हो पाएगा बोरिंग फिर पानी पीने लायक। और दरवान बाबू बैठे हुए हैं, पापा बैठे हुए हैं, कुछ टाइम के लिए बने रहिए हमारे साथ में। भैया हमारे पैप पकड़े बैठे हुए हैं और उनके हम बोल रहे हैं लगाने के लिए। इसकी चौड़ाई 3 इंची होती है, क्यों बुरी बुलाई, क्यों बुलाई 3 इंची होता होगा, ये 2 इंची बुलाई होता है। ये ले पाइप जब लगा दिया जाएगा इसके बाद वो पतला पाइप रखा हुआ है वो डाल लगा नल में फिट कर जाएगा तब वो पड़ेगा। देखो भैया वो पाइप जोड़ रहे हैं उधर वो अंकल, और तीसरा पाइप ला रहे हैं, एक नीचे डाल दिया गया है, वो हाथ पकड़े हुए हैं। बने रहे साथ में हमारे। देखते रहिए क्या क्या तरीका है, किस लगाते हैं। ये देखो ये फेविकोल लगा रहे हैं जिससे कि ये कहीं लीक ना करे, पकड़ रहे थोड़ी सही से। कोई बात नहीं, आप ये दूसरा पैप नीचे जा रहा है, 40 पहुंच जाएगा। हैंडल लगवा दो भैया, हैंडल 1 मिनट हैंडल लगवा दो, लगाइए भैया हैंडल लगा के ना चला दीजिए। हां
बने रहे हमारे साथ में, देखते हैं कि क्या सुबह से आए हुए हैं भैया। देखो टाइम होने वाला होगा सही है, लमसम लमसम मैं भी देखता हूँ टाइम, 4:30 हो गए हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। सुबह 8 बजे से काम शुरू कर दिया, 1 बजे लंच किया है, अच्छे लगे हुए हैं। आराम से जाओ उधर देख के, कभी भी बोरिंग कराएं तो इतना तो कराना चाहिए, 130-140 तो होना होना चाहिए, तभी पानी पीने लायक मिल पाता सही से। ये गया है तीसरा, ये चला गया है तीसरा, 60 फीट हो गया है। चालीस और जोड़ने वाले हैं, तो जनरेटर स्टार्ट कर दिया गया है जिससे कि पानी ना कम पड़े। ये बैठे हैं भैया पानी में, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये देखो भैया चौथा जा रहा है, चौथा पाइप डाला जा रहा है, 80 फीट हो जाएगा। ये देखो जा रहा है, ये देखो जा रहा है भाई, ये 5 बजे की तैयारी और कर रहे हैं, चौथा पहुंच चुका है, 15:10 120 हो गए ये। सौ फुट नीचे पहुंच गया है, 5 पाइप चले गए हैं, और छोटा लगा रहे हैं तो 120 हो जाएगा। और बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं भैया लोग, बने रहे हमारे साथ में, मिलते हैं। तो देखिए गाइस, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, भैया बोले हैं इसमें दिक्कत है तो वेब काटा जा रहा है, तो बहुत सही से लगाया जाएगा, कभी भी काम कराएं सही से देख के ही कराएं। पैप फटा हुआ थोड़ा सा चीज़ दिक्कत आ गई थी, ऊपर साकेट है तुम्हारे, वो जाओ पैप जोड़ो, उल्टे हो जाओ, उल्टे हो जाओ तो उल्टा करना ही पड़ेगा, तभी सही होगा। आ गया देखो भैया लगा रहे हैं, ज्यादा खास कोई दिक्कत तो ना है इससे, जैसे पाड़ दूं उल्टे लगाना पड़ेगा, क्या करूँ फिर, मगर उसमें कोई दिक्कत ना आवे। चार भाई आए हुए हैं, तो कोई का यही काम है, हमारे गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। छोटा पाइप जा रहा है ये, 120 फीट हो जाएगा, बने रहे हमारे साथ में। अभी कॉल लगाया जा रहा है, इससे कोई लीकेज नहीं है, वो लास्ट इसमें सभी काटा जाएगा, ये भैया संभाल रहे हैं इसमें से,
चिगला दिया जा रहा है। दस फट इसके ऊपर भी उड़ जाएगा ये भैया, पैप जो है काट देंगे बाद में। अब बता रहे साथ में अभी नल का काम भी बाकी है, अभी मिलते हैं जल्द। मिस्त्री जी नल लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सुबह से हो देखो शाम होने वाली है, अभी तक पूरा काम नहीं हो पाया है। फिर मोटर की व्यवस्था कर रहे हैं, ये लगा रहे हैं सर। इसको बाद में उठा सकते हैं क्यों? वो नीचे चुट्टी लगा ना, उठा लो ऊपर क्यों? देखो ये जुगाड़ जो है बढ़िया है, कहीं इसको थोड़ा उठाना हो तो उठा लें, गिराना तो गिरा लें, ये चीज बढ़िया है। गाइस हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे यहाँ नल गड़ा तो आपको पूरी जानकारी मिल गई है। तक भैया फिट कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। तो फाइनली दोस्तों ये नल जो है गड़ चुका है, इसमें मोटर लगा के चेक करके मिस्त्री लोगों को भेज दिया गया है, इनको पेमेंट कर दिया। ये आपका हुआ 130 फीट गहरा, 30 फीट गहरा जो है पानी अच्छा मिलता है, मिस्त्री लोगों को कहना है। तो हमने कहा ठीक है, रो तो बोले सर इसी चले जाओ तो 200 फीट तो 220 ऐसे मिलेगा जाकर। तो प्रेम का था यहीं फिर चले और देखें इसको, समझें किस तरह नल गाड़ा जाता है।